हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नाइन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज सैनी आप सभी का स्टडी पॉइंट नाइन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2024 और प्रमुख करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो हर एग्जाम जैसे रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा कि असफलता अनाथ होती है। असफलता कैसी होती है? अनाथ होती है, परंतु सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपका कोई नहीं है, लेकिन आप जब सफल हो जाओगे तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार बन जाएंगे। ठीक है, अब हम रिवीजन करेंगे कल की क्लास का, उसके बाद में आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज मैंने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं, जिसके अंदर चारों ऑप्शनों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे, और सबसे लास्ट में मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का एक पोर्शन लेके आया हूँ, स्लाइड लेके आया हूँ, और एक विषय सूचना। यदि जो हमारे इस रियाबड़ी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं तो उनसे विनम्र निवेदन है कि एक बार जो सीटी और पटवार का एक जो हमारे यहाँ पे नया बेंच प्रारंभ हो रहा है 5 अगस्त 2024 से, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि सीटें सीमित है। ठीक है ना, और जो यहाँ पे हॉस्टल के अंदर रह के भी पढ़ाई कर सकता है, दी गई जानकारी के नीचे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, अब बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं, और साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, रिवीजन के तौर पे हम पढ़ेंगे आज बीमस्टेक सुरक्षा परिषदों की चौथी बैठक कहां पे हुई थी। तो चौथी बैठक कहां पे हुई थी बीमस्टेक सुरक्षा परिषदों की? तो ये हुई थी म्यांमार के अंदर। कहां पे हुई थी? म्यांमार के अंदर आयोजित हुई थी। इसके अगला है नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक कहां पे आयोजित हुई? तो ये हमारे भारत के अंदर आयोजित हुई, और किसके द्वारा की गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आयोजित की गई है 9वीं शासी परिषद की बैठक। देखिए दोस्तों, जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के नए राज्यपाल बन चुके हैं संतोष कुमार गंगवार। कौन बन चुके हैं? संतोष कुमार गंगवार बन चुके हैं झारखंड के नए राज्यपाल। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले सातवें बल्लेबाज कौन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं जो रूट। कौन बन चुके हैं? जो रूट बन चुके हैं। सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो सिडबी के वर्तमान में प्रबंधक निदेशक बन चुके हैं मनोज स्मितल। आईएफएफआई मोसो के निदेशक के रूप में शेखर कपूर, और वियतियाने में रामलला की पहली डाक टिकट का अनावरण किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 का मनाया जाता है 28 जुलाई को, और आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 7%। कितना? 7% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो निकोलस मादुरो के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति के चुनाव जीत लिए गए हैं। और इसके अलावा हम जैसे ऑप्शन की बात करें तो अर्जेंटीना की बात करें तो कोपा अमेरिका जो होता है वो कहां पे? अर्जेंटीना के अंदर हुआ था। और G20 की बैठक ब्राजील के अंदर आयोजित की गई। और इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वेनेजुएला में जुलाई 2024 को नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ का मतदान हुआ, जिसके अंदर यूनाइटेड जो सोशलिस्ट पार्टी है और वेनेजुएला उसके द्वारा उनके उम्मीदवार थे एडमेंडो गोंजालेजे, और वर्तमान में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तीसरी बार चुनाव जीत लड़ रहे थे, और इसके अंदर 51% वोट इनको मिले और 44% वोट इनके प्रतिद्वंदी को मिले। ठीक है ना, चलो।
वेनेजुएला की बात करें तो कराकस इसकी राजधानी है, वेनेजुएला बोलीवर इसकी मुद्रा है, राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, ठीक है ना। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा झरना, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा झरना कहां पे स्थित है, तो ये स्थित है वेनेजुएला के अंदर। कौन सा झरना, तो एंजल फॉक्स। कौन सा? एंजल फॉल्स जो है जिसकी ऊंचाई है 9,779 मीटर। कौन सी नदी के ऊपर है? अमेजन नदी के ऊपर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील की बात करें तो माराकाइबो झील और वेनेजुएला के अंदर स्थित है ये माराकाइबो झील, ठीक है ना। ये देश पेट्रोलियम भंडार में समृद्ध है, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य भी है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, कौन सा देश द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा, कौन सा देश जल्दी से बताओ, भारत। कौन सा देश? हमारा भारत करेगा जो पुरुषों का क्रिकेट की एशिया कप होती है 2025 की होने वाली है, उसका मेजबान देश भारत रहने वाला है। और इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर आयोजित होगा, और वो आयोजित कौन कौन इसका आयोजन करवाएंगे, तो ये भारत वे श्रीलंका आयोजित करवाएंगे, किसका? T20 वर्ल्ड कप का। अब की बार का T20 वर्ल्ड कप कहां पे हुआ जल्दी से बताओ, अब की बार का T20 वर्ल्ड कप कहां पे हुआ जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। और एशिया कप की बात करें तो देखो 2025 उसके बाद 2027 के अंदर आयोजित होगा। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2024 का आयोजन हुआ और अब 2026 का इंडिया और श्रीलंका के अंदर होने जा रहा है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो एशियाई क्रिकेट परिषद ने 2025 और 2027 में आयोजित होने वाली आगामी द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी की घोषणा की है। भारत T20 प्रारूप में 2025 के संस्करण की मेजबानी करेगा और बांग्लादेश एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ODI प्रारूप में 2027 के संस्करण की मेजबानी करेगा। बात करें एशिया कप की 2025 के, तो T20 और 2027 के अंदर ODI प्रारूप में भारत T20 प्रारूप में 2025 एशिया कप की मेजबानी करेगा। वहीं आगामी जो 10वां ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर भारत वे श्रीलंका इसके अंदर आयोजन करने वाले हैं, ये अभी मैंने जस्ट बता ही दिया। और 14वां इससे पहले इस 14वां जो ICC पुरुष वनडे विश्व कप है 2027 का, वो दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया के अंदर आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। और वर्तमान में T20 प्रारूप के अंदर भारत क्या है? चैंपियन है, विश्व चैंपियन है। क्वेश्चन तीन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन है, रोहन बापन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इनका संबंध किस खेल से है? रोहन बापन्ना की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है टेनिस से संबंधित। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है रोहन बापन्ना, ठीक है ना। देखो फुटबॉल से बात कर लेते हैं, तो फुटबॉल से कौन संबंधित है? सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री संबंधित है किसे? सुनील छेत्री है वो किसे संबंधित है? वो है फुटबॉल से संबंधित। वही क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है विराट कोहली, रोहित शर्मा। और हॉकी से मेजर ध्यानचंद, आप ध्यान में रखो मेजर ध्यानचंद यहाँ पे हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे पेरिस 2024 ओलंपिक में हार के बाद रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस से संन्यास ले लिया है, और ये पहले राउंड में बाहर होने के बाद राष्ट्रीय टीम से ये संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो किस देश के द्वारा पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल कर लिया है? तो ये कर लिया है श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा ये हासिल कर लिया गया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे बात करें हम श्रीलंका की, तो मैप के अंदर देखिए श्रीलंका जिसकी राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे है, देखिए मैप के अंदर मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया के जस्ट नीचे, इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल डमरू। क्या है? पाक जल डमरू जिसका नाम है, ठीक है ना।
चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर देखिए, मेजबान श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने गत विजेता भारतीय टीम को हराकर अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप जीत लिया है। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दाम्बुल्ला में रिंगरी दाम्बुंगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अंदर 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल के अंदर मेजबानी टीम को भारत को 8 गेंद से 8 विकेट से हराया। बहुत ही बड़ी हार हुई है भारत की। भारत 7 बार और बांग्लादेश 1 बार श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली टीम बनी है। सभी मैच कहां पे हुए हैं तो ये श्रीलंका के दाम्बुल्ला के अंदर खेले गए हैं। कहां पे खेले गए हैं? श्रीलंका के दाम्बुल्ला के अंदर खेले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के सबसे तेज पैरा कौन बन चुके हैं? इंग्लिश चैनल कहां पे स्थित है तो ये यूरोप के अंदर स्थित है। और यूरोप के अंदर भी कहां पे, जो हमारा इंग्लैंड और लंदन वाला इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच जो समुद्र पड़ता है, बाकी यूरोप और इंग्लैंड के बीच जो समुद्र पड़ता है उसके बीच 34 किलोमीटर दूरी का ये समुद्र है, जिसको पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो कौन थी? आरती साहा। और जो सबसे कम उम्र की जो तेज तैराक बनी है वो बनी है कौन? जिया यारा। कौन बनी है? जिया यारा बनी है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के एवं सबसे तेज तैराक। ठीक है ना, इमेज के थ्रू आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए जैसे देखो यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे यूके, इसके बीच ये 34 किलोमीटर का समुद्र है। ठीक है ना, तो 34 किलोमीटर का समुद्र यहाँ पे पार किया है। और बच्चेंद्री पाल कौन है? तो ये बच्चेंद्री पाल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है ना, मुंबई की ये रहने वाली है जिया राय, जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र वे सबसे तेज तैराक है। और इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट की पूरी कि जो किसी पैरा द्वारा स्थापित एक नया विश्व कीर्तिमान है। ठीक है ना, और ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित जिया राय एक भारतीय नौसेना कर्मी की बेटी भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है मनु भाकर और सरबजोत सिंह। मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा पेरिस ओलंपिक, वर्तमान में ओलंपिक कहां पे चल रहे हैं? पेरिस के अंदर चल रहे हैं। तो पेरिस ओलंपिक में मिश्रित रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कौन सा मेडल जीत लिया गया है? तो इनके द्वारा जीत लिया गया है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया गया है किसके द्वारा? मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा। बात करें एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय की तो वो मनु भाकर ही है। इसके अलावा हम जैसे बात करें ये कौन, वेटलिफ्टिंग है ना, मीराबाई चानू की हम बात करें तो ये 2 ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक और रियो ओलंपिक दोनों के अंदर, अलग अलग ओलंपिक के अंदर मेडल, 2 मेडल लेके आने वाली महिला है। ठीक है ना, और अब ये एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक पाने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं कि प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो लंदन के अंदर है उनके फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर एस श्रीधर को। किसको? डॉक्टर एस श्रीधर को यहाँ पे शामिल किया गया है प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो लंदन के अंदर है वहां पे। ठीक है ना, यहाँ पे इमेज कुछ गलत लग चुकी है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया इमेज। ठीक है, चलो भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में रासायनिक इंजीनियर और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र गोपाल श्रीधर को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बांग्लादेश में युद्ध लड़ने वाले के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो जो बांग्लादेश की जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय जो युद्ध लड़े थे उसके अंदर वो तो चले गए, लेकिन उनके रिश्तेदार हैं उनको सरकारी नौकरियों के अंदर 30% आरक्षण देने की बात की है। और इसी को लेके बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है यहाँ पे,
बढ़ चुका है और यहाँ पे चल रहा है प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम हटाने की युवा की मांग है और उनको जोर से और वो जोर पकड़ लिया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि जो कोटा प्रणाली है उसको समाप्त किया जाए और बांग्लादेश के अंदर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए 30% आरक्षण यहाँ पे जो रखा गया है उसको कैंसिल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है टेबल टेनिस में ओलंपिक ऑलराउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है। टेबल टेनिस की बात आई है और राउंड ऑफ 16 किसके अंदर ओलंपिक के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय बन चुकी है कौन, मनिका बत्रा। कौन बन चुकी है, मनिका बत्रा। इमेज के अंदर आप देख सकते हो ये है मनिका बत्रा और इनके द्वारा टेबल टेनिस के अंदर ओलंपिक राउंड ऑफ 16 पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ये इनसे पहले 32वें राउंड पे पहुंच चुकी थी। कब, जब ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था तब ये 32वें राउंड में पहुंच चुकी थी, लेकिन उससे भी आगे निकल गई, 16वें राउंड पे आ चुकी है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करेंगे या कह सकते हैं पुरस्कार की बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये एक रिवीजन क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें और उसके समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है नीता अंबानी को। किसे चुना गया है, नीता अंबानी को चुना गया है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में। बात करें जैसे अमिताभ बच्चन की तो इनको मिला है लता दीनानाथ जो अंबेडकर पुरस्कार। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा लगाई गई है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। ठीक है ना, और अभिनव बिंद्रा की बात करें तो ये IOC के अंदर ये अभी गए थे। ठीक है ना, और बात करें ये छल्ले तो ये अलग अलग कलर से अलग अलग जो महाद्वीप है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, जो ब्लू कलर है वो यूरोप को डिसाइड करता है, जो येलो कलर है वो एशिया को करता है, और जो ब्लैक कलर है वो अफ्रीका को, जो रेड कलर है वो USA को, और जो ग्रीन कलर है वह ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे डेडिकेट करता है, इंकित करता है। IOC की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना हुई थी 23 जून 1894 के अंदर, मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस बोक। नीता अंबानी को हाल ही में सर्व समिति के दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। 2016 के अंदर रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी यहाँ पे IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो ये तो आपका करंट अफेयर्स का सेशन था। अब यहाँ पे कुछ चर्चा कर लेते हैं, किसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हुए है पुरस्कार दिए हैं उनकी। जैसे 18वां शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसके द्वारा जीत लिया गया है, तो वो जीत लिया गया है सुब्बैया नल्लामुथु। अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2024 केरोस पुस्तक, कौन सी केरोस के लिए किसको दिया गया है, जेनी एपेनबे को। किसे, जेनी एपेनबे को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है विनोद गणात्रा को। एबले पुरस्कार 2024 दिया गया है मिशेल टेलग्रांड को। किसे, मिशेल टेलग्रांड को। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ बुक गलाई को 2024 नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है शिव संगरी को। किसे दिया गया है, शिव संगरी को। PSU समर्पण पुरस्कार दिया गया है 2024 का हेमंत खत्री को। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड दिया गया है पवन सिंधी को। यूनेस्को गिल्मर्मो केनो पुरस्कार दिया गया है 2024 का फिलिस्तीनी पत्रकार गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार अलोक शुक्ला को। ठीक है, तो ये आज का आपका सेशन था। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करो शेयर और एक प्यारा सा कमेंट भी करो, और साथ ही वीडियो की PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल करो ज्वाइन, और ऑफलाइन बेंच के लिए आप कॉल करो 70-73-66-87 पे। ठीक है, कलाम कैंपस लक्ष्मीदास कॉलोनी के सामने रोहिसा रोड रिया बड़ी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।